अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं फॉरएवर फिट और मेरा नाम है कंबर अली एंड आई एम डूइंग कार्डियो राइट नाउ। और टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है, इससे मिलता जुलता कुछ टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है, मैं सुबह के टाइम में जिम में बैठा हुआ था और मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझे डिस्कस किया कि मैं जो है अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो उस बंदे को देखने से कहीं से नहीं लग रहा था कि उसको वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। ही वॉज 75 kgs और वो उसकी तकरीबन 6 feet के आसपास हाइट थी, लेकिन उसका पेट जो है वो थोड़ा सा निकला हुआ था। अपना टारगेट वेट उसने मुझे बताया जो कि 65 kgs के राउंड अबाउट था। तो आई वॉज रियली शॉक कि मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक किया जाए कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या फ़र्क है। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। और मैं आपको इस फैट लॉस और वेट लॉस के दरमियान का डिफरेंस बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा आइदर कार्डियो इज बेटर फॉर फैट लॉस और वेट ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है फैट लॉस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट लॉस क्या है। अगर आपका वेट रिड्यूस हो रहा है तो या तो वो वाटर वेट रिड्यूस हो रहा है, या वो एक्चुअल फैट रिड्यूस हो रहा है, या तो फिर वो मसल का वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज कि वो वेट रिड्यूस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब वेट रिड्यूस करने से मतलब उनका मसल भी लॉस होता है, उनका वाटर वेट भी, दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग। सो उनका मे बी उनका वाटर वेट रिड्यूस हो रहा है, मे बी उनका एक्चुअल फैट वेट रिड्यूस हो रहा है, मे बी दे आर जस्ट लूजिंग देयर मसल्स, लुकिंग लाइक स्किनी फैट पीपल। अब बात करते हैं कि फैट लॉस क्या चीज़ है, व्हाट इज फैट लॉस। जो एक्चुअल फैट, जो चर्बी जिसे आप कहते हैं, जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, उसका ऑक्सीडाइज होना या उसका मेटाबोलाइज होना, वो फैट रिडक्शन है। और फैट रिडक्शन के दौरान क्या होता है, फैट रिडक्शन के दौरान आपकी फिजीक जो है वो फिजीक में डिफरेंस आता है। वेट आपका 2 to 3 kilos कम होगा एंड यू विल फील लाइक आपका जो है वो बॉडी फैट परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल आपका 20 था, बॉडी फैट परसेंटेज 10 पर चला गया, लेकिन आपका वेट जो है 2 to 3 kilos सिर्फ नीचे गया। तो ऑन द स्केल यू आर ऑन ऑलमोस्ट ऑन द सेम वेट, बट इफ़ यू आर नेकेड, इफ यू आर लुकिंग योर सेल्फ इन द मिरर, यू विल फील अमेजिंग। तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर अ फैट लॉस, नॉट फॉर अ वेट लॉस। और अगर आपने घर में मशीन रखी हुई और रोज़ाना मशीन पर चढ़ के करते हैं कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, मैंने इतना करना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई उस मशीन को उठा कर बाहर फेंक दो, क्योंकि उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ टेंशन है और टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। असल में जो हमें चाहिए, हमें फैट लॉस चाहिए। अब वेट लॉस किन लोगों को करना चाहिए और फैट लॉस किन लोगों को करना चाहिए, ये तो मैंने उस बंदे की मिसाल दी जो मेरे पास आया था, जिसका 75 kg वेट था और सिर्फ उसका पेट बाहर था, क्योंकि 115 kilos, 110 kilos के आसपास जिनका वेट है, वो तो अगर वेट रिड्यूस करें, वेट लॉस गाइज वो लोग वेट लॉस की तरफ जाएं जिनका तो बॉडी फैट परसेंटेज 25 से अबव है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई मसला नहीं है, बिकॉज दे हैव टू मच वेट। और अगर वो अपना सिर्फ कार्डियो करके और स्टार्वेशन मोड पर भी बन जाकर वेट रिड्यूस करते हैं, तो उनमें कोई मसला नहीं, उनको दे जस्ट वॉन्टेड टू लुक गुड इन क्लोथ। सो वॉट इज बेटर फॉर फैट लॉस, आइदर वी शुड गो फॉर कार्डियो और आइदर वी शुड गो फॉर वेट ट्रेनिंग। मैं जो रिकमेंड करता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल को, मैं जो रिकमेंड करूँगा वो करूँगा कि आप फैट लॉस की तरफ जाएं, अनटिल अनलेस यू आर नॉट टू मच ओवर वेट, ठीक है। अब फैट लॉस के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, आइदर कार्डियो बेहतर है, हमारा बॉडी फैट परसेंटेज 25 से अबव है, तो आप पहले कार्डियो करें, उसके बाद थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करें। लेकिन अगर आप अराउंड 75 to 80 kgs हैं और आप इतने ज़्यादा ओवर वेट नहीं है, ना तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि वो कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको पहले वेट ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद जो है आपको कार्डियो करनी है। तो गाइज आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शुड वुमेन ऑल्सो डू वेट ट्रेनिंग इफ दे वॉन्टेड टू रिड्यूस देयर बॉडी फैट परसेंटेज। तो द आंसर इज येस, बिल्कुल उन्हें भी वेट ट्रेनिंग उसी तरह से ही करनी चाहिए जिस तरह मेन करते हैं, क्योंकि वुमेन जो है वो कंप्लेन करती हैं दैट दे इफ दे डू अ लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग दे विल पुट ऑन मसल्स और वो बहुत ज़्यादा बल्की लगेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट हार्मोन्स और वो मेन के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वुमेन के डिफरेंट हार्मोन्स हैं। द मेल डोमिनेंट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डिंग एंड द वुमेन डोमिनेंट हार्मोन इज एस्ट्रोजन्स और उसका मसल बिल्डिंग से इतना रिलेशन नहीं है। वुमेन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो उस तरह से मसल पुट ऑन नहीं कर सकती जिस तरह से हम मेन करते हैं। सो अगर वुमेन अपनी बॉडी को टोन करना चाहती हैं तो उन्हें भी वेट ट्रेनिंग उसी तरह से करनी पड़ेगी, बिकॉज द मसल एंटोमनी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम, बट द हार्मोन
is different. So guys, ye thi meri aaj ki video. So maine aapko puri detail information di fat loss aur weight loss related. I hope aapko ye video pasand aayi hogi. Next video tak ke liye apna khayal rakhein. Stay fit with Forever Fit. Allah Hafiz.